Hello students, my name is Rahul Bhatnagar. Welcome to my YouTube channel. आज हम शुरुआत करेंगे कुछ basic accounting terms को लेकर. ये accounting terms आप लोगों को समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये terms हर किस्म के business accounting में use की जाती हैं. तो सबसे पहले हमारी accounting term होगी capital. हम यहाँ कैपिटल का मतलब समझेंगे, कैपिटल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे की जाती है वो समझेंगे. सबसे पहले कैपिटल को समझने के लिए है हम उदाहरण लेके चलेंगे. सपोज एक्स एक बिजनेस शुरू करना चाहता है, कोई भी बिजनेस हो सकता है, और उस बिजनेस के लिए वो 1 लाख रुपए से शुरू करना चाहता है, और 1 लाख रुपए को वो अलग रख देता है. तो सपोज एक्स का 1 लाख रुपया का ये बिजनेस शुरू हो रहा है. अब एक्स ने, क्योंकि ये बिजनेस अकेले शुरू कर रहा है, उसके साथ कोई और नहीं है, तो इस तरह के बिजनेस को सोल प्रोप्रेटरशिप कहा जाएगा, क्योंकि इसमें एक्स अकेला ही ओनर है पूरे बिजनेस का. तो एक्स के लिए ये कैपिटल, जो एक्स के बिजनेस के लिए ये कैपिटल है, 1 लाख रुपीज इज द कैपिटल. इट मीन्स एनी अमाउंट इन्वेस्टेड इन ए बिजनेस बाय ए सोल प्रोप्रेटर इज नोन एज कैपिटल. अब ये जो कैपिटल है, ये उसकी फर्म के लिए, उसके बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी बन गई है, क्योंकि ये बिजनेस को कभी वापस भी करनी है इसके ओनर्स को. एक्स इज द ओनर, तो उसके लिए ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी बनी है. अब फॉर एग्जाम्पल, एक वाई उसको ज्वाइन करना चाहता है इस बिजनेस को, और वो कहता है कि मैं भी 1 लाख रुपए लगाऊंगा, अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो हमारा बिजनेस और फ्लोरिश करेगा, वी विल हैव मोर बिजनेस अर्निंग अपॉर्चुनिटीज. तो 1 लाख रुपया वाई भी लगाता. यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि 1 लाख रुपया या तो मनी लेके आए, या 1 लाख रुपए के इक्विवेलेंट एसेट्स भी लेके आए, तो वो भी कैपिटल मानी जाती है. मान लीजिए वो 50,000 की एसेट्स ले आता है और 50,000 की मनी इन्वेस्ट करता है, तो हिज इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टेड अमाउंट विल बी 1 लाख रुपीज. तो अब जो है, जो फर्म की टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 2 लाख रुपया. तो अभी तो ये जब तक अकेला था तब तक उसकी बिजनेस कहलाता था सोल प्रोप्रेटर, अब जबकि वाई मिल गया साथ में, तो अब ये बिजनेस कहलाएगा पार्टनरशिप. अब हम दूसरी टर्म्स पे आएंगे, ड्राइंग्स. अगर एक्स बोलता है कि मेरे को 10,000 रुपया चाहिए है फॉर माय ओन पर्सनल यूज, मैं इसमें से 10,000 रुपया निकालना चाहता हूं, अब उसकी कैपिटल कितनी रह गई फर्म के अंदर, 90. अब वाई ने तो निकाले नहीं है, वाई ने नहीं निकाले हैं, तो उसकी कैपिटल तो अभी बराबर है 1 लाख रुपया. और टोटल फर्म की कैपिटल कितनी हो गई, 1,90,000. सो दिस अमाउंट, 10,000 अमाउंट इज ड्राइंग्स. एनी अमाउंट विड्रॉन बाय द ओनर फॉर इट्स फॉर देयर ओन पर्सनल यूज is known as drawings. तो ये है drawings और capitals, और ये company के लिए liability है, क्योंकि ये liability side में हम ऐसे ही show करेंगे इसको, capital भी show करेंगे, drawings भी show करेंगे. Now the capital reduced to 1,90,000 from 2 lakhs rupees, and drawing is 10,000 rupees by X. अच्छा, यहाँ एक बात और बताना चाहूँगा, जिस तरह से इन्वेस्टमेंट के टाइम ज़रूरी नहीं है कि मनी की फॉर्म में ही इन्वेस्टमेंट किया जाए, इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, वो भी कैपिटल कहलाएगी. इन द फॉर्म ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, मान लीजिए मशीनरी दे दी, फर्नीचर दे दिया, तो उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू होगा वो भी कैपिटल मानेगा.
इसी तरह से ड्राइंग्स में जरूरी नहीं है कि इन द फॉर्म ऑफ मनी ही विड्रॉ किया जाए। हो सकता है फर्नीचर को वो कहे कि जी फर्नीचर एक्स बोलता है कि जी फर्नीचर मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ, तो फर्नीचर की जो मॉनिटरी वैल्यू होगी उसकी जो परचेज कॉस्ट होगी वो लिया जाएगा। तो 10,000 रुपीज का उसने ड्राइंग्स किया, फर्नीचर लिया या मनी विड्रॉ करी, वट एवर, तो ये 10,000 रुपीज हमारे कैपिटल में से लेस। सो ड्राइंग इज द अमाउंट विड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द पार्टनर्स और बाय द सोल प्रोप्राइटर फॉर देयर पर्सनल यूज। तो ड्राइंग्स और कैपिटल हमारे लाइबिलिटी साइड में आएंगे और फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन का यही हमारा तरीका होगा। तो ये था हमारा आज का सेशन ड्राइंग्स और कैपिटल के बारे में। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में, कमेंट सेक्शन पे जाइए और ज़रूर लिखिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए। हम अगले वीडियो में कुछ और अकाउंटिंग टर्म्स लेके आएंगे।